जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 100 परिवारों के लोग इस आपदा से पीड़ित हैं। परनोट गांव का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावितों के साथ मुलाकात भी की है। इस आपदा की जद में वहां के करीब 100 घर आए हैं, जिसमें 30 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 20 मकानों में हल्की दरारें आने से लोग दहशत में हैं। इसके अलावा वहां सड़क और बिजली आपूर्ति बहाल करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। करीब 1 किलोमीटर का पूरा इलाका अभी भी धंसा हुआ है। ऐसे में फौरन सड़क निर्माण शुरू नहीं किया जा सकता, मगर लोगों के लिए जल्दी जल्द वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की व्यवस्था में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला प्रशासन रेलवे प्रशासन से भी बात कर उसके सहयोग से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लोगों को जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। जमीन धंसने के कारणों का पता जियोलॉजिकल विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। इसके लिए थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा थोड़ा हो रहा है और यहाँ पे अप्रॉक्स 50 घर शिफ्ट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जम्मू। जिसमें से 30 तो कम्प्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गए और नीचे कुछ और घर थे जिनको शिफ्ट करवा दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और हम NDRF के जवान यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी तरीके की कोई भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है, कोई भी इमीडिएट से लेकर कोई भी रिलीफ अगर देना पड़ता है तो हम रेडी हैं। वही प्रशासन का प्रयास है कि सड़क संपर्क के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र भी जल्द से जल्द बिजली बहाल की जा सके। रोड है वो भी किलोमीटर 5 पे जो है वो सिंक हुई है। हमारा गूल का एरिया जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया है। उसके साथ साथ हमारा जो 400 KV का जो बड़े जो दो टावर्स हैं वो भी जो है वो टूटे हैं, और साथ ही साथ में 33 KV की जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, जो पावर सप्लाई हमारी प्रोवाइड करती है खुद के इलाके में। तो वो भी टेम्परेरी तौर पे हम जो है आज शाम तक जो है वो ट्राई लेके आज शाम तक ही रिस्टोर कर देंगे। अगर आज शाम तक ना हुई तो कल सुबह जो है वो किसी भी तरीके से हम जो है वो पावर सप्लाई को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन बात रही रोड की, तो उसके लिए हमने जो है वो गोल का जो डिगडोल से जो रोड जाती है जो हमारी आगे जाके सुंबड़ के इलाके को और इसको संगलदान के इलाके को जो है कनेक्ट करती है, उसको हमने लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है वो खोल दिया है। जमीन धंसने के कारणों का पता जियोलॉजिकल विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सामुदायिक केंद्र रामबन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में रहना पड़ रहा है। रामबन कैंप कार्यालय परनोट की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। अब तक करीब 100 परिवारों को मवेशियों सहित एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। खराब मौसम से पैदा हुए हालात और चुनौतियों के बावजूद इन परिवारों को परनोट पंचायत में संचालित राहत और सहायता सेवाओं के साथ सामुदायिक हॉल मैत्रा रामबन में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा इलाके में हाई अलर्ट करने के साथ साथ हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जम्मू।